हमारे बहुत ही युवा साथी बड़े भाई एडवोकेट सचिन बंसल जी को पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। पहले सेक्रेटरी थे, प्रमोशन करके वाइस प्रेसिडेंट उन्हें बनाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन भाई को, और पटका पहना के हमारे हरदीप भाई स्वागत करेंगे। बहन आशा को वुमेन्स सेल से हरेंद्र भाई टोपी पटका पहनाइए। वुमेन्स सेल में ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेवारी दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य की। पार्टी उम्मीद करती है कि वो बहुत आगे बढ़े, पार्टी में आगे जाएं। और साथियों, जैसा कि विदित है कि हमारी कम से कम 4000 मेंबर्स का एक संगठन बन चुका है, जो हरियाणा में एक बहुत बढ़ोतरी की तरफ है। तीसरा शपथ ग्रहण सर्कल इंचार्जेस और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का होने वाला है। दो शपथ ग्रहण पहले हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले करनाल में हुआ था, उसके बाद हिसार में हुआ था, और अब तीसरा नई अनाज मंडी भिवानी के अंदर होने जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हमारे सभी साथियों को, नवनियुक्त साथियों को शपथ ग्रहण कराने आ रहे हैं। हम उन सभी नए साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और कामना करते हैं कि इस ढंग से काम होके 2024 में हरियाणा में आम आदमी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने। अजीत जी, जिम्मेवारी दी गई है, क्या कहेंगे आप? आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। हमारे पलवल आम आदमी पार्टी के बेहद ही मेहनती और सबके प्यारे साथी भाई सचिन बंसल जी को पुनः नए सिरे से जिला वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी मिली है, और इससे मैं और सभी साथी बेहद खुश हैं और इनको शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहेंगे। हमारे प्रेमचंद जी को सर्कल इंचार्ज की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व के द्वारा दी गई है, तो भाई का हम बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। जिस प्रकार से आपका पार्टी का कुंभ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए भूटानी जी, आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो जनहितैषी नीतियां हैं, हमारी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल है, उसकी स्वीकार्यता लोगों के अंदर दिन रोज बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार के कार्य हमारी सरकारें दिल्ली और पंजाब के अंदर कर रही हैं, हरियाणा की जनता भी चाहती है कि वो सारे कार्य हरियाणा के अंदर भी हों। बहुत तेजी के साथ, जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि बहुत कम समय में और इतना बड़ा संगठन का निर्माण आम आदमी पार्टी ने जो हरियाणा के अंदर किया है, और मैं आपको अभी बता देता हूं कि अभी तो ये हमने अपने सर्कल लेवल तक का संगठन का जो है निर्माण कार्य किया है। अभी दो महत्वपूर्ण चरण हमारे इसमें बचे हुए हैं, ग्राम समिति का निर्माण और उसके बाद में बूथ समिति का निर्माण। आप देखेंगे कि आने वाले 2 महीने में पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की ही तादाद 2.5 लाख के करीब होगी, और जिस दिन हम अपनी बूथ समिति तक के संगठन का निर्माण कर देंगे, उस दिन पूरे हरियाणा के अंदर एक आम आदमी पार्टी की जहर चलेगी, अरविंद केजरीवाल जी की जहर चलेगी। हाँ जी सचिन जी, खड़े हो जाओ। हाँ जी सर, नमस्कार। आप सब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आज पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, हरियाणा की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं, और मैं ये आश्वासन देता हूं कि मैं अपने प्रयासों से पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा भरपूर। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमारे कुछ नए और पुराने साथियों को जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको लेके मैं तो सबसे पहले तो बधाई देता हूँ सभी साथियों को, और दूसरा जो संगठन निर्माण की जो ताकत आज हमारे सामने उभर के आई है, ये यकीनन अब हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जब हम दूसरी बड़ी पार्टियों को अपने संगठन के दम पे 2024 के विधानसभा में पूरी तरह से शिकस्त देने के लिए ताकतवर हैं और सक्षम हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram और Twitter हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेनस्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फायदेमंद है।
तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।